This is Alia Bhatt. You are watching Expose India. Keep watching. <laughs> मैं आदित्य शर्मा आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया सुबह ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित कर कहा कि जो तीन कृषि कानून बिल थे उसको हम वापस लेते हैं किसानों के एक बहुत बड़े वर्ग को समझा नहीं पाए आपको बता दें कि इस समय हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि वही पंडाल है जहां जब कृषि कानून बिल लागू हुआ था 26 नवंबर को उसके बाद से जो किसानों का तमाम वर्ग था वो धरने प्रदर्शन पर बैठ गया था उसके बाद किसानों ने किसानों के जितने भी वर्ग थे चालीस से जो ज़्यादा समूह और संगठन थे उन्होंने सड़कों पर आ गए थे जो दिल्ली के तीन बॉर्डर हैं चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर सिंगू बॉर्डर हो या फिर टीकरी बॉर्डर हो उन्होंने उस पर धरना प्रदर्शन चालू कर दिया था तीनों कृषि कानून बिल के खिलाफ अब ऐसे में सरकार ने एक बार फिर बैकफुट पे आ गई है बड़ा फैसला लिया है सरकार ने जो तीनों कृषि कानून बिल हैं सरकार उसको वापस ले रही है सुबह ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम जो बिल थे शायद हम उसको समझा नहीं पाए जब जो उसकी खूबियां थी शायद हम उसको बता नहीं पाए आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में जो शीतकालीन सत्र होगा उनतीस नवंबर से उसमें हम इस तीनों जो बिल को पास किया गया था जब आपको बता दें कि 26 नवंबर को इस बिल को पास किया गया था अब उनतीस नवंबर को जब शीतकालीन सत्र संसद में स्टार्ट होगा तो उस दौरान कानूनों को टेक्निकल तौर पर तकनीकी तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा कि तकनीकी तौर पर इस कानून को निरस्त किया जाएगा रद्द किया जाएगा फिलहाल आज आ, खुशी का मौका है किसानों के लिए क्योंकि आज गुरु पर्व है और हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से जो किसान हैं वो खुशियाँ मना रहे हैं एक तो गुरु पर्व की और दूसरा ये जो बिल है उसमें शायद किसानों की जीत हुई है ये कहना गलत नहीं होगा लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो किसान जो समूह था वो भी हमारे ही लोग हैं ठीक है हम मानते हैं गलती हो गई माफ़ी मांगी उनसे अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या ये जो कृषि कानून है सिर्फ इसको वापस लिया गया है या फिर ये सरकार के द्वारा एक मास्टर स्ट्रोक है क्योंकि जिस तरीके से राज्यों में आने वाले समय में 2022 में आने वाले समय में चुनाव है चाहे वो पंजाब हो या उत्तर प्रदेश उससे पहले ही मोदी सरकार ने जो तीन कृषि कानून थे उसको वापस ले लिया है अब इसमें तमाम क्वेश्चन उठते हैं लोगों के जहन में कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या फिर पंजाब के चुनाव में जो तो वोट बैंक है किसानों का वोट बैंक है अब वो किसके साथ रहेगा अब किसान वोट आखिर किसको करेंगे जो तमाम क्वेश्चन है हालांकि जो बीके यू के भारतीय किसान यूनियन के जो नेता हैं राकेश टिकैत उन्होंने कहा है कि फिलहाल हम आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे आंदोलन अभी चलेगा सरकार ने इसको संसद में पास किया था सरकार इसको संसद में ही निरस्त करे और एमएसपी पर बात करे और जितने मुद्दे उस पर बात करे फिलहाल ये आंदोलन अभी चलता रहेगा हालांकि जो विपक्षी पा पार्टियाँ हैं या फिर तमाम राजनीतिक दल हैं उन्होंने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है किसानों की जीत बताई है गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है दिखाना चाहूँगा कि एक क्या माहौल है इस समय गाजीपुर का दिखाना आपको सीधी तस्वीरें लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं इस समय आप देख सकते हैं कि, कि किस तरीके से जो किसानों के तमाम कार्यकर्ता हैं या कि फिर किसान हैं दिखाना चाहूँगा कि वो उसकी जो भीड़ है वो ये कहना गलत नहीं होगा किस तरीके से जो माहौल है हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं गाजीपुर पर कि क्या तस्वीरें हैं गाजीपुर पर अब बात करने के लिए हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं उनसे बात करते हैं क्या संजीव कौशिक मुजफ्फरनगर संजीव जी से सरकार ने सुबह इन तीन किसी कानूनों को बिल को वापस लिया है इस फैसले को सरकार के इस फैसले को आप किस तरीके से देखें पत्रकार महोदय जहाँ तक सुबह का डिसीजन है प्रधानमंत्री जी के विषय में क्या कहें बहुत सम्मानित सीट पर बैठे हुए हैं देर आए दुरुस्त आए हम तो कई चैनलों के माध्यम से ये बात कई बार कह चुके हैं कि हे है परमात्मा इस बीजेपी और आरएसएस के लोगों को सदबुद्धि आए इनके थिंक टैंक को बट आई है थोड़ा लेट आई है 704 किसानों की शहीदी हो चुकी है जो काउंटिंग में है और तमाम तरह के कांड भी हमारी कंट्री में हो चुके है लखीमपुरी कांड और अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री जी और उनके आर के थिंक टैंक इस बात को समझ चुके हैं कि इलेक्शन भी है माननीय सुप्रीम कोर्ट भी टाइट है वो भी दूध का दूध पाने करने पे क्योंकि लोकतंत्र के स्तंभ में डियर दिल पे मत लेना मोदी मीडिया के विषय में स्पेशल दो बात रखना चाहूँगा कि लोकतंत्र जिस देश में मजबूत होता है उसी देश में जहाँ मीडिया अपनी पाक साख सभी रखने में कामयाब रहे बट उनको भी सदबुद्धि आई है और उनका भी वेलकम मोदी मीडिया का भी लेकिन आज सुबह का जो फैसला है उसको आप क्या उस फैसले से जो माननीय प्रधानमंत्री ने प्रधान जो फैसला दिया क्या आप उससे संतुष्ट हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के फैसले से संतुष्ट हैं लेकिन क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है क्यो... क्या क्वेश्चन मार्क है जुमलेबाज सरकार है अपनी कसौटी पे खरी नहीं उतरती है झूठ बोलने में मास्टर है और हमारे अन्नदाता को इन्होंने तरह तरह की डेजिग्नेशन दी खालिस्तानी रोहंग्या बांग्लादेशी पाकिस्तान चले जाओ और फंड आ रहा है बाहर से आ रहा है तमाम तरह की गोगलियाँ फेंकने में ये लोग कामयाब हुए बट मेरा किसान नहीं बटा और जहाँ तक इनका है अब हमें और हमारी कंट्री के हर बच्चे इस बात पे विचार कर रहा है कि प्रधानमंत्री ने बड़ा ही मार्मिक स्टेटमेंट दिया और हिंदुस्तान की जनता चाहकर भी उनके ऊपर विश्वास नहीं कर पा रही है लेकिन प्रधानमंत्री जी को भी हम धन्यवाद अदा करेंगे कि देश की सर्वोच्च सीट पर वो बैठे हैं सम्मानित सीट पे बेहतर होता कि 11 महीने पहले उनको हम कई चैनलों पे ये बात रख चुके हैं कि वो प्रधानमंत्री जी ही इस फैसले को वापस ले सकते हैं ब्रिटेन में भी दे सकते हैं विधान लोकसभा में भी डिसीजन ले सकते हैं मिस्टर तोमर मिस्टर गोयल ही इज़ नॉट ऑथराइज पर्सन मैं कह चुका हूँ कई चैनलों पर और राजनाथ सिंह जी मोनी बाबा बने हुए हैं नो एनी डाउट तो ग्यारह महीने तक हमारा सामान वापस नहीं आया देश में अनगिनत समस्याएँ है हैं और ये मैं स्पष्ट करूं पिछले 20 बाइट चैनलों में मैं इस चीज़ को कह चुका कि मेरा अन्नदाता जो है अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है अपने लड़ाई लड़ते लड़ते मेरा देश युद्ध की लड़ाई लड़ रहा है बेरोजगार की लड़ाई लड़ रहा है और हिंदुस्तान के ट्रेडर की लड़ाई लड़ रहा है व्यापारियों की लड़ाई लड़ रहा है क्योंकि आज आप एक ब्रेड बीस रुपये की ला रहे हैं कल को नब्बे रुपये की लाएंगे बहुत चीज़ें हैं जो दो रुपये का आलू और दस रुपये में चिप्स में जा रहा है बहुत चीज़ें थी हम लोग उसकी फाइट कर रहे थे किसान सबसे पहले मैं अपने देश के अन्नदाताओं को दोनों हाथ से सैल्यूट करूँगा कि वो ग्यारह महीने की तपस्या मैंने खुले मंच से पिछले हम लोग लोकल हैं बाहर से जो लोग आए उनका वेलकम किया हम लोगों ने हमारे बुजुर्गों ने देखिए एक चीज़ और क्लियर करूँ इस प्रोटेस्ट को किसानों के साथ साथ हिंदुस्तान के बुद्धिजीवी लोगों का भी समर्थन था चाहे इसमें वकील हो चाहे प्रोफेसर चाहे इंडस्ट्रीस्ट हो तो कि हिंदुस्तान का परचम लहराने के बावजूद भी एक किसान के बेटे ने बजरंग पुनिया ने बात रखी कि न्याय होना चाहिए किसानों के साथ चलिए 11 महीने से जो भी जितना भी लंबा समय था उसमें ये आंदोलन चला इस आंदोलन ने कई जो बड़े मुकाम देखे ये कहना गलत नहीं होगा काफ़ी ज़्यादा अप्स डाउंस आए इस आंदोलन में चाहे वो छब्बीस ग्यारह हिंसा हो चाहे कितनी बार भारत बंद करने की कोशिश की गई हो तमाम तरह की चीज़ें हुई किसानों को कई नाम दिए गए चाहे वो खालिस्तानी हो या फिर आतंकवादी हो या फिर तमाम तरीके के उनको बताया गया कि बिजनेसमैन बैठे हैं किसान तो बैठे ही नहीं है लेकिन अब सरकार ने माना कि हाँ वो किसान थे हम एक किसान के वर्ग को समझा नहीं पाए अब ऐसे में जब आंदोलन अब शायद खत्म हो जाए क्योंकि सरकार ने ये भी कहा है कि जैसे ही जो सीत संसद चालू होगा उसके अंदर हम इस कानूनी प्रक्रिया द्वारा निरस्त कर देंगे रद्द कर देंगे अब ऐसे में इतने लंबे समय से जो आंदोलन पर किसान बैठे हुए थे अब वो आंदोलन खत्म करके गुरु पर्व के मौके पर कैसा लगेगा आम आम जिंदगी जिंदगी जीते जीते हुए आम जीते हुए देखिए किसान किसान मेरे देश की रेड है ऐसा नहीं है कि वो बॉर्डर पे बैठा था वो आम जिंदगी नहीं जी रहा था वो शादी ब्याह भी कर रहा था अपने बच्चे भी पाल रहा था लेना देना भी कर रहा था कोरोना के काल में जीडीपी को स्ट्रोंग करने का काम भी मेरे देश का अन्नदाता कर रहा था तो बदकिस्मती से सरकार ने न जाने किन लोगों के हाथ में कठपुतली बन के उनको बनाने का काम करा। दोस्तों, ये लड़ाई है मेरी भी लड़ाई है मेरे अन्नदाता की भी लड़ाई है उन्होंने भी बड़े जज्बे के साथ घर छोड़े मकान छोड़े बी बच्चे छोड़े रोड के ऊपर बारह महीने मैंने देख आज कम से कम दो लड़के आए हुए हैं वास्तव में हमारी आंखों से जब हमने ये स्टेटमेंट सबेरे सुना तो शब्द नहीं थे मतलब कहीं ना कहीं खुशी हुई सुन करके लगा कि हाँ सरकार ने आखिरकार फैसला तो लिया आपके चैनल के मेरे देश का किसान मेरे देश का यूथ और ये जो मेरे बुजुर्ग बैठे हैं भाजपा का कोई विरोध नहीं है सरकार का कोई विरोध नहीं है इनकी नीतियों का इनकी सोच का विरोध था लड़ाई यहाँ सोच की और विरोध नीति की और नियत की थी और प्रधानमंत्री जी चाहकर भी नहीं डिसीजन ले पा रहे थे ये चीज मैं कई चैनलों पे आपके कह चुका था लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आज एक चीज एक्सेप्ट करी पुट्री कंट्री के अंदर कि हम चाह भी किसानों को फायदे नहीं बता पाए हाँ यह है कि ये तो सरकार के लोग अपना पक्ष रखेंगे कि वो इलेक्शन के दबाव में आए हैं किन के है। लेकिन एक चीज क्लियर है लोकतंत्र में जो भी सरकार आए जो भी जाए कितनी आएंगी कितनी जाएंगी और कितनी हमारे देश के अन्नदाता ने कितनी सरकारें देखी हैं लोकतंत्र में एक चीज तय हो चुकी है कि आप तानाशाही नहीं अपना सकते बाय फोर्स बाय हुक बाय क्रुक आप जो है किसी को अंडरप्रेशर नहीं ले सकते चाहे वो मेरे देश का बेरोज़गार है चाहे यूथ है और चाहे किसान है चाहे मजदूर है तो ये थे कुछ किसान हमारे साथ जिन्होंने बताया कि सरकार ने किस तरीके से इस फैसले को वापस लिया हालांकि अभी भी क्वेश्चन मार्क है किसानों का कहना है कि जो सरकार है अभी भी उनकी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता जिस तरीके से राकेश टिकैत ने कहा है कि हम इस फैसले को एकदम सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं लेकिन इस आंदोलन को एकदम से खत्म नहीं करेंगे आंदोलन ये चलता रहेगा सरकार पहले एम एस पे बात करे और तमाम जो मुद्दे हैं कृषि को लेकर के उन मुद्दों पर बात करे इस समय हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कमांडो जी जो तीन कृषि कानून बिल थे अब सरकार ने उसको वापस लिया है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह ही देश को संबोधित करते हुए कहा कि हम जो तीन कानून थे उसको वापस लेते हैं सरकार के इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं आप पहले तो आपको भी धन्यवाद यूट्यूबरों ने इतना साथ दिया है किसानों की सच्ची आवाज को ऊपर तक उठाया जहां देश के राष्ट्रीय चैनल बिक चुके थे अड़ानी अंबानी के द्वारा संचालित हो रहे थे तो आप लोगों ने किसानों की आवाज को उठाया और सच्चाई को आगे उठाया आप लोगों की बहुत बहुत धन्यवाद और रही इसकी बात Uh, किसानों uh, इसकी जीत और हार की बात है और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसानों को बहुत ज़्यादा बहुत फ़ायदा मिल गया हो या ऐसा कुछ उन्होंने घोषणा कर दी हो इसमें केवल उन्होंने इस बात की घोषणा की है कि जो काले कानून थे उनको वापस किया जो हमारे ऊपर थोपे जा रहे थे उन्हीं कानून का वापस किया है भेड़ की भेड़ से खाल छीनने के बाद उसमें उससे स्वेटर बनाने के बाद उनके बालों से दोबारा भेड़ को पहना दिया जाए तो भेड़ सोचती है कि मुझे ठंड में स्वेटर पहना दिया गया यही काम मोदी जी कर रहे हैं हम ही से हम ही हमारी छाती पर पैर रख के राजनीति करना चाहते हैं और हम ही पर काले कानून थोपने के बाद हमें से कहते हैं मैंने काले मैंने वापस ले, लिए कानून, कानून वापस ले लिए, काले कानूनों को किसी की पर नहीं है अच्छा क्या लगता है कि सरकार ने वाकई में इस कानून को वापस लिया है या सरकार का ये एक मास्टर स्ट्रोक है कि चाहे वो पंजाब चुनाव हो सर पे या फिर उत्तर प्रदेश चुनाव हो तो इस, इसको आप किस तरीके से देखते हैं सरकार बहुत चतुर है ये सरकार बहुत चल रहा दाव पैंच खेलती रहती है इन्होंने सारे दाम चलते गए और उल्टे के सिर पड़ते गए इनके दावों पैच इन्हीं पे पड़ते गए अब इन पे जब कुछ नहीं बचाया चुनाव नज़दीक आ गए तो उन्होंने इस तरह का निर्णय लिया है निर्णय किसी भी भावना के तहत लिया गया हो किसी भी तंत्र मंत्र के तहत लिया गया हो हम उसका स्वागत करते हैं सराहना कतई नहीं करते हैं सराहना इसलिए कतई नहीं करते क्योंकि उन्होंने सासों शहीद किसानों के लिए एक शब्द भी नहीं बोला है आज तक यहाँ पर लखीमपुर कांड के लिए आज तक प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं बोला है इसलिए हम सराहना नहीं करते स्वागत और भी मुद्दे हैं और भी हमारे सरकार ने कहा है कि आने वाले जो शीतकालीन सत्र रहेगा उसमें हम कानून प्रक्रिया द्वारा तीन कानून है इसको निरस्त कर देंगे इसको रद्द कर देंगे तो किसपे क्या कहना चाहते हैं अब उन्होंने साफ कर दिया इससे ज्यादा किस तरीके से देखते हाँ तो ठीक है उन्होंने इतने इतने साल भर से झूठ बोलते आ रहे हैं पता नहीं कहीं ये भी एक झूठ ना हो कहीं ऐसा भी, भी मानते हैं कि शायद अभी भी झूठ हो सकता है पूरे देश के सामने बोला उन्होंने मैं मैं मुझे तो संशय है इतने झूठ बोले चौधरी चरण सिंह कल्याण कोष में दस हज़ार लाख करोड़ डाल दिए जाएंगे कल्याण कोष हर जिले में बना दिया जाएगा हर बार लाल किले से कोई ना कोई घोषणा करते हैं कभी अमली जामा पहनाया उन्होंने ये ख्याली प्लाभ होते हैं इस तरह के इनको जो है बहकाने का काम करते हैं प्रधानमंत्री जी कहीं ऐसा ना हो कि इसमें भी कोई दाव पैच लगा के इसमें भी कुछ ना करते हैं इसलिए मुझे संशय है इसमें अच्छा राकेश टिकैत ने कहा है कि जब तक सरकार इसको संसद में निरस्त नहीं करती है जब तक एमएसपी पे बात नहीं करती है और जितने तमाम मुद्दे हैं कृषि से रिलेटेड उस पर बात नहीं करते तब तक ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा हम इसको एकदम से खत्म नहीं करेंगे इसको इस बात पर आप किस तरीके से देखते हैं बिल्कुल आंदोलन खत्म नहीं करेंगे मेरा खुद अलीगढ़ का टेंट लगा हुआ है और उसको पक्का करूंगा जैसे ही अब, अब संयुक्त तो मोर्चा की मीटिंग होगी उसके आधार में जैसा निर्णय लिया जाएगा हम आगे उसी तरह से बढ़ेंगे अभी तो जल्दी से आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है आप इस फैसले को सरकार के इस फैसले को आप किस तरीके से देखिए फैसले का हम आदर करते हैं लेकिन यही फैसला अगर आज से नौ महीने पहले या दस महीने पहले हो चुका होता तो शायद हमारे जो साथी किसान शहीद हुए हैं साथ वो शहीद नहीं होते लखीमपुर खीरी कांड नहीं होता और 26 जनवरी पे झंडा का जो बना था एजेंडा वो नहीं हुआ होता तो आदर तो हम करते हैं इसका लेकिन हमें इसके साथ साथ दुख भी है क्या लगता है कि ये जो फैसला लिया गया ये फैसला क्या बहुत पहले आना चाहिए था ये फैसला जब अगर उन्हें पता था और ये हकीकत है कि उसमें कानून सब कुछ गलत था उन्हें पता था क्योंकि उन्होंने बीच बीच में हर बार कहा था कि हम इसमें संशोधन कर देंगे संशोधन से सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं गलत था जो संशोधन के लिए तैयार हो गए तो इसको तभी वापस कर लेना चाहिए था और आज तक इतना लंबा भी नहीं चलता ये सरकार ने बोला कि जो तीन कानून थे उसके जो फायदे थे हम वो किसानों के एक वर्ग को नहीं समझा पाए इसके लिए शायद हम उसे असफल रहे उसको समझाने में अभी भी क्या लगता है देखिए असफल इसलिए रहे समझाने में कि आज का किसान जो है पुराना किसान नहीं रहा है वो हर चीज़ समझता क्या सही है क्या गलत है पहले किसान अनपढ़ होता था बेचारा भीड़ चाल वाला हिसाब में रहता था एक जिधर चल दिया उधर ही चल दिए आजकल वो दौर नहीं रहा है क्योंकि किसानों के बच्चे भी पढ़ चुके हैं और जहाँ तक देखा जाए काफ़ी किसान भी जो हैं पढ़े लिखे हैं तो सब समझते हैं कि क्या गलत है क्या सही है तो इस समझाना इसलिए नहीं समझा पाए क्योंकि इन्हें लगता था मुठ्ठी भर किसान इस तरह की ये बातें करते थे तो मुठ्ठी भर नहीं थे दस बीस को ये समझा सकते थे लेकिन ज़्यादा बहुमत इन्हें दिखा के हाँ इधर है दूसरा इनकी राजनीति एजेंडा भी इन्होंने देखा कभी यूपी के चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो उस हिसाब से इन्होंने ये एजेंडा लिया जबकि इसमें आठ दिन करीब बाकी हैं उसमें एक साल होने में और एक साल के बीच में सिर्फ प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ दो बार बोले हैं एक बार इन्होंने बोला था छब्बीस जनवरी के बाद में एक शब्द कहा था मेरे और किसानों के बीच में एक कॉल की दूरी है वो कॉल अभी तक नहीं आया था लेकिन उससे अगले दिन पे गढ़ गई थी रोड पर गवर्नमेंट की तरफ से उसके बाद आज ये दूसरा वो है और जब तक ये जो है संसद में निरस्त नहीं हो जाता जो जिस तरीके से ये सिद्ध किया गया था या लागू किया गया था वो पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक हम नहीं मानते हैं कि वापस होगा तो ये थे कुछ किसान हमारे साथ जिन्होंने कहा कि अभी भी ये जो आंदोलन है वो जारी रहेगा क्योंकि जब तक सरकार इस आंदोलन को संसद में कानूनी प्रक्रिया के तहत निरस्त नहीं करती रद्द नहीं करती तब तक ये आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा फिलहाल इस खबर में इतना ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एक्सपोज इंडिया कैमरा पर्सन

Expose India, keep watching. Expose India. Expose India. India Expose India. Keep watching. Expose India. 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 Expose India.